हेलो एवरीवन, लर्न इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है और इसकी स्टडी क्यों की जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की आवश्यकता होती है। गुड्स जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। और सर्विसेज जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वकील, कारपेंटर, जिनकी मदद से वे अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नई कार, बढ़िया घर, बैंक बैलेंस, आराम और बढ़िया भोजन आदि नहीं चाहेगा? अगर व्यक्ति अपनी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर भी लेता है तो और नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं, जैसे और बड़ी कार, और बड़ा घर, एक्सेट्रा। समस्या ये है कि मनुष्य की इच्छाएँ अनंत हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं वे सीमित हैं। मीन्स डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर स्केर्स। स्केर्स मीन्स वे रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल नहीं हैं, अर्थात सीमित हैं, और जो सीमित है उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वे इनपुट्स हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए काम में लाए जाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज भी स्केर्स हैं क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं। रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड एज लेबर, जो फिजिकली जैसे वर्कर्स और मेंटली जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, एक्सेट्रा, जो हमारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए अपना कीमती समय देते हैं, जिसे वो सोने, खेलने, पढ़ने, टीवी देखने इत्यादि पर खर्च कर सकते थे। इसके बदले उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। सेकंड, कैपिटल। कैपिटल से अर्थ उस संपत्ति से है जो आर्थिक रूप से उपयोगी कार्य करने के लिए किसी की शक्ति को बढ़ा सकती है, जैसे प्रोड्यूसर के लिए मशीन्स, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। थर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज। इससे अर्थ वे रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो हमें नेचर देती है, जैसे वाटर, ट्रीज, मिनरल्स, एक्सेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, रिन्यूएबल, यानी जिन्हें दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे आपका एयर हो गया, रिवर्स है। दूसरा है एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें केवल एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे पेट्रोल, ऑयल, कोल, एक्सेट्रा। फोर्थ, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी। जैसा कि आजकल वर्कफोर्स को ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज, एक्सेट्रा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। उसी प्रकार एंटरप्रेन्योर वो स्पेशल टैलेंट है जो किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और अच्छे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, या एक नया प्रोडक्ट कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ लाया जा सकता है, जैसे आइडियाज़ को कंसेप्चुअलाइज करते हैं और उन्हें रियलिटी में बदलते हैं। किसी भी इकोनॉमी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए इसे बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे फार्मर्स अपने रिसोर्सेज, लैंड, ट्रैक्टर, सीड्स, इन सबको कंबाइन करके गुड्स प्रोड्यूस करता है। कौन सी गुड्स? जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। और म्यूजिशियन अपने रिसोर्सेज जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टूडियो, इन सबको कंबाइन करके सर्विस प्रोड्यूस करता है, जैसे म्यूजिक। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि गुड्स कैसे होते हैं? टेंजिबल, जिन्हें देखा और महसूस किया जा सकता है। और सर्विसेज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मीन्स जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अगर दुनिया में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होती और ना ही हमें कोई कीमत चुकानी पड़ती। बट ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए स्केर्स रिसोर्सेज का यूज़ करके इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इनकी कीमत चुकानी पड़ती है। समटाइम्स वी मिस्टेकनली कंसिडर थिंग्स फ्री एज नॉट चार्ज टू अस, बट थिंग्स हैव कॉस्ट।
सच एज पेपर नैपकिन एट कॉफी शॉप। प्रत्येक व्यक्ति अपने रिसोर्सेज को आय प्राप्त करने के लिए यूज करता है और उसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स में से कुछ को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करता है, जैसे ग्रॉसरीज, क्लोथिंग, हाउसिंग, वाटर पार्क की टिकट इत्यादि। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे गारमेंट मैन्युफैक्चरर अपने रिसोर्सेज को क्लोथ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करता है और उसे बेचकर आय प्राप्त करता है। कैब ड्राइवर जिसकी रिसोर्सेज उसकी ड्राइविंग स्किल्स और उसकी सिटी की नॉलेज है, जिसकी वजह से वो लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाकर इनकम प्राप्त करता है और इसी अर्निंग से वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। डॉक्टर्स अपनी नॉलेज का यूज़ करता है और कुछ लोग जिनके पास कोई स्किल्स नहीं हैं वे लेबर सर्विस देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक लिमिटेड अमाउंट में ही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लिमिटेड अर्निंग ही कर सकता है, लेकिन उसकी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, तो अब उसे चॉइस करना पड़ेगा कि वह किस रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी दे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को घर भी खरीदना है और कार भी, तो वह पहले घर खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा। और यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है तो उसे अपनी लग्जरीज को छोड़कर हायर एजुकेशन अफोर्ड करने के लिए सेविंग्स करनी पड़ेंगी। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि रिसोर्सेज स्केयर्स हैं और इन स्केयर्स रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में किस प्रकार यूज़ किया जा सकता है, ये स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। सो वी कैन डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस दैट कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अर्थात अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में कि किस प्रकार सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। सो फ्रेंड्स, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टैंड एंड एबल टू एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज इकोनॉमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशंस।